आप सभी लोगों को इससे पहले क्लास में ग्रेफाइट के इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस, जनरल कैरेक्टर और मेथड ऑफ रिप्रोडक्शन बताया गया। अब आपका जो सबसे इम्पोर्टेंट प्रश्न इस पेपर में है, इस चैप्टर में पूछा जाता है कि ब्रायोफाइटा के जीवन चक्र का वर्णन कीजिए, यानी ब्रायोफाइटा मतलब जो आपके कोर्स में फ्यूनेरिया है, मास जिसको कल हमने दिखाया था उस पौधे को, तो मास का पौधा ही इस कोर्स में रखा गया है, तो उस मास के पौधे के लाइफ हिस्ट्री को हमको पढ़ना, जिसे फ्यूनेरिया के नाम से ही जाना जाता है। तो प्रश्न आता है आपके यहाँ, ब्रायोफाइटा आर मास मास के जीवन चक्र का वर्णन कीजिए, ये प्रश्न आपके आता है। तो हम कैसे इसके लाइफ हिस्ट्री के विषय में जानेंगे, लाइफ हिस्ट्री ऑफ मास, क्लियर। तो सबसे पहले हम इसके सिस्टमैटिक पोजीशन को देखते हैं कि इसके जो है वर्गीकरण किस प्रकार से किया जाए। इसने के पहले सिस्टमैटिक पोजीशन, सिस्टमैटिक पोजीशन इसका हम देखते हैं क्या, किंगडम प्लांटिंग, फिर सब किंगडम, किंगडम एम्ब्रियोफाइटा, इसका मतलब आप समझ गए होंगे कि इसमें जो है एम्ब्रियो का फॉर्मेशन होता है। फिर उसके बाद आता है फाइलम, फाइलम ब्रायोफाइटा, ब्रायोफाइटा, और इसके बाद आता है क्लास ब्रायोप्सिडा, ब्रायोप्सिडा के बाद सब क्लास मसाई आर ब्राइडी, आर मसाई, सब क्लास, फिर उसके बाद आर्डर, आर्डर इज डन, फ्यूनेरियल्स, फैमिली फ्यूनेरियेसी, फ्यूनेरियेसी
जीनस फ्यूनेरिया क्लियर। इस प्रकार से ये मास का सिस्टमैटिक पोजीशन है। अब इसके बाद इसका हैबिटेट क्या है, कहां पर पाया जाता है ये हैबिटेट। सिस्टमैटिक पोजीशन के बाद हैबिटेट, हैबिटेट का मतलब स्वभाव। हमने आपको कल बताया था कि ब्रायोफाइट्स आर मोस्टली प्रेजेंट इन सैंडी एंड वेट प्लेसेस, तो कहने के मतलब ये भी नम एवं छायादार स्थानों पर पाया जाता है। Once 117 species are known, यानी इसकी 117 जातियां ज्ञात है। कितनी जातियां ज्ञात है, 117 जातियां ज्ञात है। मुख्य रूप से इनमें फ्यूनेरिया, हाइग्रोमेटेरिया, फ्यूनेरिया उषा, फ्यूनेरिया आम उषा, फ्यूनेरिया एटेन्युएटा, फ्यूनेरिया एटेन्युएटा मुख्य रूप से भारत में पाई जाने वाली फ्यूनेरिया की प्रजातियां हैं। क्लियर, यानी कि फ्यूनेरिया नम और छायादार स्थानों पर पाई जाती है। इसकी 117 प्रजातियां ज्ञात हैं, यह पूरे संसार में पाई जाती है। भारत में इसकी मुख्य प्रजातियां फ्यूनेरिया हाइग्रोमेटेरिका, फ्यूनेरिया उषा, फ्यूनेरिया एटेन्युएटा पाई जाती है। क्लियर, जिसको इस प्रकार से आप कह सकते हैं। अब मीडियम में द फ्यूनेरिया occurs in wet and sandy places. It is worldwide distributed, are cosmopolitan. There are 117 species are known. Some species of Fusaria present in India. फॉर एग्जाम्पल फ्यूनेरिया हाइग्रोमेटेरिका, फ्यूनेरिया उषा, फ्यूनेरिया एटेन्युएटा एक्सेट्रा। स्ट्रक्चर, स्ट्रक्चर मीन्स संरचना। स्ट्रक्चर, स्ट्रक्चर मीन्स संरचना। संरचना इसके फिगर को देखें, इस प्रकार से इसकी
संरचना पाई जाती है। इसमें जो फ्यूनेरिया का प्लांट होता है वो मोनोसीएस होता है। मोनोसीएस का मतलब ये होता है इसमें मेल एंड फीमेल दोनों एक ही पौधे पर अलग अलग शाखाओं पर उपस्थित होते हैं। इस प्रकार से इसका ये पौधा होता है। ये कॉलोनी में पाए जाने के कारण काफी घना दिखाई देता है और इस पर म्यूसिलेज की लेयर होने के कारण ये इसमें फिसलिंग होती है। तो इसकी संरचना में क्या देखो, मुख्य पौधा जो पौधा है मेन रूप से गैमेटोफाइट होता है। मेन प्लांट कैसा होता है? गैमेटोफाइट, गैमेटोफाइट होता है पौधा मुख्य रूप से गैमेटोफाइट। इसे दो भागों में विभक्त कर सकते हैं। पहला इसका है प्रोटोनेमा, प्रोटोनेमा जिसे हिंदी में पुतंत कहा जाता है, पुतंत। दूसरा है गैमेटोफोर, गैमेटोफोर। तो इसके दो भाग, प्रोटोनेमा इसमें क्या है, स्पोर अंकुरित हो करके स्पोर जर्मिनेट करके, क्या करके, जर्मिनेट करके प्रोटोनेमा का निर्माण करता है। प्रोटोनेमा का निर्माण करता है। यह प्रोटोनेमा लिव लाइक लिव लिवी एल्गी लाइक संरचना होती है। इसमें कुछ ब्रांच सीधे निकल जाते हैं और कुछ ब्रांच नीचे की तरफ जाती हैं, नीचे की तरफ जाती हैं जिसे राइजॉइड्स कहते हैं और ऊपर की तरफ जाती है उसे स्टेम। राइजॉइड्स मृदा से जल एवं खनिज लौह का अवशोषण करती है और गैमेटोफोर बनने के पश्चात यह प्रोटोनेमा नष्ट हो जाती है, समाप्त हो जाती है। देन
गैमेट ऑफ फोर, गैमेट ऑफ फोर यह पौधे का मुख्य भाग है जो लगभग 1 से 3 सेंटीमीटर तक लंबा होता है, 1 से 3 सेंटीमीटर तक लंबा होता है। फ्यूनेरिया का जो प्लांट है मुख्य रूप से देखें इसमें क्या है, ये राइजोइड है, ये लीफ है और ये कैप्सूल है और यहां पर इस प्रकार की संरचना निकली होती है जिसे कैलिप्टरा कहा जाता है। तो इस प्रकार से यह इसके मॉर्फोलॉजिकल स्ट्रक्चर है, यानी कि बाह्य संरचना है कि दो रूपों में कौन कौन प्रोटोनिमा और गैमेटोफोर ये दो रूपों में रहते हैं। देन इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ स्टेम आर मेन एक्सिस, इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ मेन एक्सिस इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ मेन एक्सिस आर स्टेम, यानी कि मुख्य अक्ष के आंतरिक संरचना। कैसे, जब हम इसके ट्रांसवर्स सेक्शन का अनुप्रस्थ काट का अध्ययन करते हैं तो हमें निम्न संरचनाएं दिखाई देती हैं। जैसे अनुप्रस्थ काट का देखें किस प्रकार से अनुप्रस्थ काट का फिगर होगा, इसमें अनुप्रस्थ काट का फिगर आपको इस प्रकार से ये बीच में जो आप देख रहे हैं ये कंडक्टिंग स्ट्रैंड है। आपको हमने बताया है इसमें वैस्कुलर बंडल्स जिसमें जाइलम और फ्लोएम अनुपस्थित होते हैं और इसमें उपस्थित कंडक्टिंग टिश्यू कंडक्शन ऑफ वाटर का कार्य करती है। तो इस प्रकार से हम इसके फिगर को देख लेते हैं, बना लेते हैं। ये निम्न संरचनाएं दिखाई देती है, इस प्रकार से संरचनाएं, क्योंकि जो इसका ये कॉर्टेक्स है दो भागों में डिवाइड होता है जिसे हम आउटर कॉर्टेक्स और इनर कॉर्टेक्स के नाम से जानते हैं। आउटर कॉर्टेक्स ठीक
होता है और इनर कॉर्टेक्स थिंकिंग। इसका जो सबसे वाली पर्त है वो एपिडर्मिस कहलाती है। इस प्रकार से एपिडर्मिस देन एपिडर्मिस, इसको हम किस प्रकार से इसके आंतरिक संरचना के विषय में लिखेंगे कि जब हम इस मुख्य अक्ष के अनुप्रस्थ काट का अध्ययन करते हैं तो हमें निम्न संरचनाएं दिखाई देती हैं। पहला हेडिंग एपिडर्मिस। एपिडर्मिस ये सबसे बाहरी पर्त है। कौन सी पर्त है? सबसे बाहरी पर्त है, पर्त है एस्पेन क्यूटिकल एंड एस्टोमेटा नहीं पाए जाते हैं। क्यूटिकल और एस्टोमेटा नहीं पाए जाते हैं, तो आप इसको कह सकते हैं इट इज आउटर मोस्ट लेयर द क्यूटिकल एंड एस्टोमेटा इज एब्सेंट। क्लियर? देन सेकेंड हेडिंग कॉर्टेक्स। कॉर्टेक्स 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 या एपिडर्मिस के नीचे स्थित है। यह दो भागों में विभक्त है जिसे हम आउटर कॉर्टेक्स और इनर कॉर्टेक्स में डिवाइड करते हैं। आउटर कॉर्टेक्स थिक वायर्ड, थिक माने मोटी, भेद दीवारी होती है वायर्ड माने थिक, और इनर कॉर्टेक्स एक थिन वायर्ड होती है। कैसी होती है? थिन वायर्ड होती है। तो कॉर्टेक्स के विषय में आप क्या लिख सकते हैं? इट इज लोकेटेड अंडर एपिडर्मिस, इट इज डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स, आउटर कॉर्टेक्स एंड इनर कॉर्टेक्स। आउटर कॉर्टेक्स इज थिक वायर्ड एंड इनर कॉर्टेक्स इज थिन वायर्ड। देन सेंट्रल सिलेंड्रिकल पार्ट, सेंट्रल सिलेंड्रिकल पार्ट, सेंट्रल पार्ट, सेंट्रल सिलेंड्रिकल पार्ट यह तने का मुख्य अक्ष का मध्य भाग होता है जो कि हायर प्लांट के समान वाटर सर्कुलेशन का कार्य करता है, कंडक्शन का कार्य करता है। इसमें आप इतना लिख सकते हैं कि इट इज द मोस्ट पार्ट ऑफ द मेन एक्सिस लाइक अ हायर प्लांट
इट्स फंक्शन इज कंडक्शन ऑफ वाटर. सो इट इज ऑल अबाउट द सिस्टमैटिक पोजिशन स्ट्रक्चर एंड इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ मेन एक्सिस एंड सिलेंड्रिकल पार्ट एक्सेट्रा. सो नेक्स्ट डे. थैंक यू.